रेडियो कनपुरिया 90.2 FM पर मैं हूँ दिलखुश दीपक। और भैया इस संकरी गली में मैं क्या करने आ गया हूँ, तो आपको बता दूँ कि हम लगातार स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम करते हैं, और स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में हम रेडियो पर कार्यक्रम स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित करने के अलावा लोगों से चल कर जान कर उनसे उनके पास पहुँच कर भी बातें करते हैं कि उन्हें उनके स्वास्थ्य से संबंधित कितनी जानकारी है। तो आइए चलते हैं, अभी हम हैं मील का हाथा पांडू नगर कानपुर नगर में, चलिए आइए चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं और आइए बात करते हैं। मैम जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मीना। तो मीना जी, आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारी हो, जैसे कि अभी बारिश बहुत लेट समय तक हुई, बारिश की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ, वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब कहना क्या, घर की साफ़ सफाई, बस यही सब। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो आप साफ़ सफाई अपने घर में किस प्रकार से रखती हैं? घर को साफ सुथरा, मतलब फिनाइल डाल के, दवाइयाँ डाल के सब, और रात में मोर्टिन लगाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं। मच्छरों से बचना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, साथ में पूरी आस्तीन के कपड़े पहने ताकि डेंगू के चपेट में ना आ सकें। और आइए और आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं और भी लोगों से। आपका नाम जानना चाहूँगा। ममता। तो आपने ये बताइए कि कोविड का डर अभी आपके पास है कि नहीं है? नहीं, सबको सेफ्टी तो करनी चाहिए, अभी भी भीड़ में जाएं तो मास्क लगा कर ही जाना चाहिए। और सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल क्या है कोविड की? सबने वैक्सीन तो लगवाई ली है, अधिकतर हमने भी लगवाई है, हमारे यहाँ दो लग चुकी है, अभी तीसरी बाकी है, बूस्टर डोज वो भी लग रही है, लगवा लीजिए। और अगर हम जानना चाहेंगे डेंगू के बारे में, तो मच्छरों से कैसे बचना चाहिए, आप कैसे बचाव करती हैं? हमारे यहाँ सभी लोग साफ सफाई रखते हैं, पौधों में पानी आने नहीं रहता, गमले भरे हुए नहीं रहते हैं, पानी नहीं, कूलर वगैरह, कूलर वगैरह में पानी जमा हो पाता है। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे आपने वैक्सीन लगवाई है? हाँ, लगवा चुके, दो लगवाए, तीसरा बाकी है। तीसरा बाकी है, तो तीसरा डोज भी आप लगवा लीजिए। आपका नाम जानना चाहूँगा। आदित्य तिवारी। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं नहीं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पढ़ाई ग्रेजुएशन तो हो चुका है जी। अच्छा, जी जी। तो डेंगू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डेंगू होता है वो पहली चीज़ तो घर में गंदगी की वजह से होता है, तो हम यही कहना चाहेंगे, एक बार मैं भी डेंगू हो चुका है, डॉक्टर ने मुझे भी जवाब दे दिया था। तो डॉक्टर ने क्या बताया था? कि ये डेंगू आपको, मतलब से हम लोग जैसे घूमने जाते हैं, हाफ कपड़े पहन लेते हैं, कमर के नीचे मच्छर काटता है, उसे डेंगू हो जाता है जी। तो हम लोग को फुल कपड़े पहनने चाहिए, और जो हम लोग साफ़ सफाई, कूलर में पानी भरा रहता है या फिर कहीं पर भी स्टोर किया हो पानी, उसको स्टोर नहीं करना चाहिए भाई। इस समय मौसम ऐसा होता है, बरसात होती है, कीड़े पनपते हैं, वो डेंगू ही होता है एक तरीके से। तो डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा था कि आपके घर में ऐसा हुआ होगा, लापरवाही हुई होगी तभी आपको हुआ है। तो ये बिल्कुल सही बात थी कि मेरे घर में थोड़ी सी लापरवाही हुई थी, जो कि अब मैंने पूरी ख़त्म कर रखी है। अब हमारे घर में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है, क्योंकि डेंगू से बहुत लोगों की मौत भी हो रही है, जैसा कि आप भी जानते होंगे, मैं भी जान रहा हूँ, आए दिन न्यूज़पेपर में खबरें आ रही हैं, बहुत खबरें आ रही हैं कि डेंगू से 12 मरीज आए, 4 मर गए, 4 की मौत, बाकी रिकवर हो रहे हैं। रिकवर होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर किसी को डेंगू हो गया है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा तो कीवी, कीवी एक ऐसा फल है जो डेंगू को रिकवर करने में बहुत जल्दी ही करता है। और प्लेटलेट अगर ज़्यादा डाउन हो रही है तो आपको ड्रैगन फ्रूट वगैरह ये सब खाने चाहिए। तो ऐसे ही और डॉक्टर ने क्या एहतियात बरतने के, खान पान की आपने जैसे बताई, तो कीवी और ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताया, और ऐसी चीज़ें क्या खा सकते हैं जो आसानी से हमें मिल जाएं? देखिए सर, पपीता होता है, पपीते के पत्ते का अगर रस पी रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो कि डेंगू को बहुत जल्दी रिकवर करता है। बकरी का दूध अगर मिल रहा है तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें हाई मात्रा में प्रोटीन वगैरह होता है, तो ये सब हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस आप यही कहूँगा मैं सबसे कि फुल कपड़े पहने, बाहर ज़्यादा ना घूमें, पानी वाली जगह ना जाएँ। जितना आप सेफ्टी से रहेंगे उतना ही आपके लिए, देखिए मैं भी अब फुल कपड़े पहन रहा हूँ, वैसे मैं भी आप पहनता था, तो बस यही है, जितना हम लोग सुरक्षा करेंगे उतना ही हमारा देश सुरक्षा करेगा। अगर हम ही लापरवाही करेंगे तो दूसरे लोग तो लापरवाही करेंगे। जिम्मेदारी हमारी बनती है, पहले खुद की सीट बेल्ट बांधे, बाद में दूसरे को कहें कि आप बांधे। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। जी 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 बिल्कुल होता ही है। देखिए लेकिन क्या फेस करना पड़ता है, इसके लक्षण ये होते हैं कि जैसे आपको डेंगू होने वाला है तो सबसे पहले तो आपको चक्कर आना,
फीवर बहुत ज़्यादा 104, 102, 103 होगा, जो कि चंद मिनट में उतरेगा और तुरंत चढ़ेगा भी। अच्छा, ठीक है। तो हमको ये चीज़ अगर हो रही है तो एक बार प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकल स्टोर से दवा ना लें, तुरंत अपना इलाज चालू करवाएं। बिल्कुल। और कमज़ोरी तो इतनी होगी कि अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं, एक बार अगर आप वॉशरूम कर रहे हैं तो उसके कुछ मिनट बाद आप बेहोश हो जाएंगे। ये डेंगू का सबसे मेन रीज़न होता है अगर आपके प्लेटलेट 1 लाख से नीचे हैं। अगर प्लेटलेट 1 लाख के आपके ऊपर हैं तो आपको फीवर आएगा, कमज़ोरी लगेगी, चक्कर से आएंगे, तो बस यही सब होता है नॉर्मल। बाकी हम तो यही कहना चाहेंगे अगर आपको डेंगू हो है या होने वाला तो उसके लक्षण ये होते हैं, तो इसलिए हम लोग को पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोगों को मतलब सुरक्षित रहना है, दूसरे को भी सुरक्षित रखना है, और सबसे ज़्यादा ये छोटे बच्चों को बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों की किस तरह से केयर कर सकते हैं? छोटे बच्चों को फुल कपड़े पहनाएं, घरों में गुड नाइट का यूज़ करें, मॉर्टिन का यूज़ करें, कोई भी चीज़ आप यूज़ करें। ये नहीं कि अगर देख रहे हैं वहाँ पे मच्छर है तो कुछ नहीं, ऐसे घूम रहा है बच्चा, छोटा बच्चा है वो ऐसे घूम रहा, बाहर घूम रहा है, उसको हाफ कपड़े पहना के रखें। ठंडी भी पड़ रही है, ठंड भी लग सकती है, और साथ में डेंगू का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी। तो बस यही कहेंगे कि छोटे बच्चों को फुल कपड़े पहनाएं, उनको अच्छे से प्रोटीन वाली चीज़ें खिलाएं, जितना भी आप उनको खिला पाएं। भाई अगर बच्चे के अंदर प्रोटीन नहीं होगा तो वो वैसे ही कमज़ोर रहेगा, और उसके बाद अगर ज़रा सा भी इसको कोई भी डेंगू का मच्छर काटेगा या कुछ भी करेगा वो बिल्कुल नहीं सहन कर पाएगा, इसके कारण वो बीमार भी हो सकता है। बिल्कुल। तो उनकी केयर करना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, बच्चे आजकल मानते नहीं हैं, जैसा कि मैं भी नहीं मानता था पहले जी। मैं भी नहीं मानता था, पर मैं अब भी मानता हूँ। अब मैं फुल कपड़े मैं खुद पहनता हूँ, मेरे घर में भी छोटा बच्चा है वो भी फुल कपड़ा पहनता है। तो यही सब चीज़ें हैं छोटी छोटी। बस एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इलाज में लापरवाही ना करें, इससे आप अपनी जान खो सकते हैं। बस यही सब चीज़ें हैं। तो एक बार आप अपना नाम फिर से बता दीजिए। आदित्य तिवारी। आदित्य जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और आपने डेंगू से सफ़र किया, और जितनी अहम जानकारी दी है वो हमारे लिसनर्स को बहुत काम आएगी। तो एक बार आप लोग तालियां ज़रूर बजाइएगा डिजिटल वाली। कंपूरिया 90.0 सुनो कान लगा के।